दूसरी चीज है कि फ्लाई ऐश जो है एनटीपीसी का कचरा है जी, और स्टोन डस्ट जो पहाड़ पहाड़ी एरिया में उसका कचरा है जी। सीमेंट की बात कर ले तो सीमेंट जो रैक में लगता है, जो सीमेंट जम जाती है, अति हो जाती है, उससे आप इसको आसानी से बने पूरे कचरा, मतलब टोटल वेस्टेज होगा और आप उससे जो है कि अपना उद्योग कर लेंगे उद्योग। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, कल तक जहां बिहार से लोग दिल्ली और गुजरात या फिर दूसरे राज्यों में जाकर बहुत सारी मशीनें खरीद कर लेकर आते थे और अपना रोजगार शुरू करते थे, लेकिन अब शायद दिन बदल रहा है। बिहार तरक्की कर रहा है और बिहार में अब लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं और मशीनरी खरीद रहे हैं। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही कस्टमर्स से मिलवाएंगे जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर वो आसाम से आए हैं और यहाँ पे वो अपने आंखों के सामने मशीन तैयार करवा रहे हैं। और इन्हीं से हम जानेंगे कि इनका जो मशीन तैयार हुआ बिहार में, इनका बिहार आकर कैसा एक्सपीरियंस रहा और इन्हें कैसा लगा हमारा बिहार और यहाँ के लोग और यहाँ के काम, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको भी शायद अब ये यकीन हो जाए कि हमारा दिल्ली गुजरात जाकर मशीन लेकर आना अब वो पुराना रिवाज हो चुका। अब हम बिहार को बदलते हैं और अपने बिहार को ब्रांड बिहार बनाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भैया का नाम, आपका नाम क्या हुआ? नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद कहाँ से आए हैं आप? मैं आसाम से आया हुआ है। आसाम से? आसाम में कहाँ से? मैं बरपेटा रोड से आया। बरपेटा रोड, ये आसाम में गुवाहाटी से कितना दूर पड़ता है? गुवाहाटी से 80 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, गुवाहाटी से 80 किलोमीटर। ये बिहार में क्यों आए हैं आप? मैं मशीन के लिए आया है, ईटा बनाने के लिए मशीन जो है वो लेने के लिए आया है। अच्छा, इधर बहुत अच्छा लगा आके, काम भी हो रहा है, मेरा काम भी रेडी हो गया। अच्छा, आपकी आंखों के सामने काम हो रहा है, तो ये मशीन आपका है? ये आपकी आंखों के सामने तैयार हो रहा है? मेरा आंखों का सामने तैयार हो गया पूरा रेडी, काम में सामने रह के भी काम हो गया क्लियर। अच्छा, आप बिहार कब आए? मैं कल आया। कल आए? और यहाँ पे रुकने के लिए आप कहाँ रुके हैं या फिर यहाँ पे कंपनी ने आपको कैसे ट्रीट किया, ये तमाम जानकारी? कंपनी का बाजू में होटल है, रहने का बहुत अच्छा, ये लोग मेरे को सब कुछ दिखाया। एक चीज ये देख लीजिए कि अब हमारा बिहार वाकई में बदल रहा है, हमारे बिहार में इंडस्ट्री अब ग्रोथ कर रही है और वो ग्रोथ हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि हम लोग अब अपने बिहार को ब्रांड बिहार वाकई में बना रहे हैं। क्योंकि पहले कल तक हम सपना देख रहे थे कि हमारे बिहार में कभी कोई रोजगार लग सकता है, लेकिन अब तो हमारे बिहार में कंपनियां लगने लग गई। और ये है मुजफ्फरपुर का हेलो डिस्पोजेबल कंपनी, ये इसे कहते हैं मशीनों की दुनिया, क्योंकि यहाँ पर आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर मशीन बनते दिखेगी। सबसे कमाल की बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे आसाम से लोग आए हैं। यहाँ के ऑनर ने मुझे बताया कि अगर आप शायद कल या परसों आए होते तो आपको अमृतसर पंजाब से भी लोग आते हैं और उनसे भी आपकी मुलाकात होती, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब बिहार में मशीनें बनने लगी और यहाँ पर उसे लोग अपनी आंखों के सामने बनवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, आपको कैसा लग रहा है आपका मशीन जो आपकी आंखों के सामने तैयार हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इस कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला? YouTube चैनल में मेरे को पता चला। अच्छा, YouTube चैनल से आपको पता चला? ये सारी चीजें हैं कि चलिए YouTube के सहारे ही सही हमारा बिहार ग्रोथ कर रहा है। हम लोग जैसे लोग, जितने भी YouTube से जुड़े लोग हैं और वो अपने बिहार की इंडस्ट्रीज को दिखा रहे हैं, तो यहाँ बिहार की जो कंपनियां हैं जो लोगों का विश्वास जीत रही हैं और लोग दूसरे राज्यों से चल के बिहार आ रहे हैं, जिसके बारे में पहले कहते थे कि बिहार में लोग कहाँ से जाएंगे और कैसे वहां के लोगों से वो अपना बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन अब सोच बदल रहा है क्योंकि ये नया बिहार है। यहाँ पे आप जो मशीन ले रहे हैं वो कौन सा मशीन है? ईटा बनाने के लिए मशीन है। लेकिन हम यहाँ पे अब इस कंपनी के मालिक विप्लव जी से आपको मिलवाना चाहते हैं, जिन्होंने शायद बिहार की परिभाषा बदल दी है। यहाँ पर उनके यहाँ से दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, और इसके बाद जो है कि इनका जो सबसे अच्छा चीज मुझे जो लोगों से पता चला कि ये लोगों को सर्विस बहुत अच्छा देते हैं, शायद ये उसी का नतीजा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कंपनी में। सर, एक चीज जान के बहुत अच्छा लगा कि अब आपके यहाँ या फिर कहें कि बिहार में आपकी वजह से लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं और मशीन खरीद रहे हैं। सर, आप कौन कौन सा मशीन देते हैं? देखिए, मेरे पास तो लगभग 60 से 70 तरीके का मशीन हम खुद बनाते हैं। अच्छा। जो कि सामने आप कैमरा में देख भी सकते हैं, वहाँ पेपर प्लेट हो गया, फ्लाई एक्स हो गया, पल्वलाइजर हो गया, आप नूडल्स में चले जाइए, चाट कटर में आ जाइए, मतलब फूड से रिलेटेड भी सारे आपके पास? हाँ, फूड से रिलेटेड भी आपको मिलेगा, पेपर ब्लॉक की सेट मिल जाएगी, कपूर अगरबत्ती, सारा मशीन यहाँ कंप्लीट, मतलब 60 से 70 मशीनें यहाँ आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होती हैं? बिल्कुल सर, कैमरे में आप दिखा सकते हैं कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है।
सारा चीज जो काम हो रहा है सारा सामने। तो अभी तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मशीन जो है ना वो मशीनों की भरमार है, यहाँ पर मशीन लगातार बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा अब हम लोगों के सामने है। तो चलिए सर एक बार आप हमें इन मशीनों के बारे में, सर जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट दिख रहा होगा कि यहाँ पर मशीनों का रेट लेकर क्या है। देखिए सीधी बात है, जब आप सही दिशा में और सही परिश्रम जब करेंगे जी, तो सफलता आपके हाथ आएगी जी। तो हम हो आप हो या कोई भी लोग हैं जी, तो दूसरे राज्य से आने का बहुत सारा कारण हो जा रहा है। आप यही मशीन अदर स्टेट में खरीदिए, पंजाब में भी बनती है, गुजरात में भी बनती है और भी राजस्थान में भी बनती है, तो कहीं ना कहीं रेट का बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होता है। अच्छा, बात करने के बाद कोई बोलेगा मोटर का अलग से लगेगा, जीएसटी अलग से लगेगा, तो सबसे बड़ी चीज है कि मेरे यहाँ रेट जो है फिक्स है। शायद इनको सामने कस्टमर है जी, आप एक बार बात कर लीजिएगा, जो रेट इनको फोन से बताया गया है जी, वही रेट यहाँ भी लगा होगा। ऐसा है सर आपके साथ? हाँ हाँ, जो रेट फोन में बुलाया मेरे को वही रेट में इधर मिला मेरा। चलिए ये बहुत अच्छी बात सर, ये आपकी कंपनी की तरफ से। और दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि जो भी हम मोटर यूज करते हैं जी, बहुत सारी कंपनियां अपना लोकल मोटर भी लगाती है एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, सर्विस के नाम पर 1 साल 2 साल 3 साल की वारंटी देती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं जो भी मोटर लगाता हूँ ब्रांडेड मोटर लगाता हूँ। ठीक है, अगर आप असम से हैं तो इसकी सर्विस असम में ले ले। अच्छा, आप अगर गुजरात में है तो गुजरात में ले ले, राजस्थान में है राजस्थान में ले ले, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोकल मोटर में होता है कि आप अगर असम से हैं तो भैया मेरे यहाँ भेज दो, मैं बनाऊंगा फिर इसको बना के भेजूंगा, तो एक आध महीने का प्रोसेस हो जाता है जी। तो आपको जो भी बिजनेस करने चले उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो जाएगी जी। अगर ब्रांडेड मोटर है तो आप जहाँ है वहीं 1 से 2 दिन में आपको सर्विस सेंटर बना के दे देगी, तो आपको हम पर कहीं से डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बात है कि सर ने ये बात कहा कि हम जो भी देते हैं ब्रांड देते हैं ताकि आप जहाँ भी हैं आपको उसका सर्विस लेने में प्रॉब्लम ना हो। जो मशीन है यह जीरो मेंटेन मशीन है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, दो पाइप जोड़ना है और मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर उसमें भी इनको परेशानी होगी तो 75% ट्रेनिंग जो है अभी मैं इनको दे रहा हूँ, इनसे मैं अभी ईंट भी बनवाऊंगा आपके कैमरा में। अच्छा, पहले मैं बनाऊंगा फिर इनसे बनवाऊंगा, पूर्ण रूप से सीख लेंगे मटेरियल कैसे बनाना है क्या करना है, इसके बाद भी अगर इनको कहीं कोई परेशानी होती है तो मैं जरूर भेजूंगा। तो ये चीज आपको भी समझ में आ गई होगी कि इस मशीन को ले जाने में बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, और भाई जो हमारे असम से आए हुए हैं तो इन्हें पहले यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और उसके बाद जो इनको जो प्रॉब्लम आएगा उसे भी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सर इन सब चीजों के बीच अगर कोई बंदा चाहता है इस बिजनेस से जुड़ना, अभी जैसे कह सकते हैं इस ईंट वाले उद्योग से जुड़ना, तो सर इसमें कितना खर्च आ सकता है किसी के लिए? ईंट वाले उद्योग, तो सबसे पहले एक चीज हम और भी बता देते हैं जो आप नहीं पूछे, कि भारत सरकार साफ साफ शब्दों में लाल वाले ईंट को बैन कर दी है, कोई भी नया ईंट भट्टा आपको बंद खुलने नहीं जा रहा है, जो है उसको भी धीरे 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 साल दो साल में पूर्णतः बंद हो जाए। जी बिल्कुल, तो उसके विकल्प में फ्लाई एक्स का मशीन है, फ्लाई एक्स ईंट जो अभी बना रहे हैं या फिर सीमेंट वालू है। भैया ने जो है ये ईंट बनाकर कंप्लीट करके दिखा दिया, खुद से बनाया। चलिए भैया आपने अपने हाथों से ईंट भी बना लिया? मेरा हाथों से मैं ट्राई किया मिसिंग, हाँ तो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए भैया ने, हाँ तो भैया ने बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ये ईंट निकला है और भैया ने कामयाबी पूर्वक इसको कंप्लीट कर लिया है। कैसा लग रहा है कि चलिए आपने पहले अपने हाथों से इसे बना लिया? मेरा को तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ कि आप अपने इस बिजनेस में सफल हो, और आप जो बिहार आए हैं तो बिहारियों के लिए कोई एक वर्ड बोल दीजिए। इधर का आदमी बोलो तो बहुत अच्छा है, बिहार नाम सुना है कभी आया नहीं था, इधर आके भी बहुत अच्छा लगा जी, सिटी भी बहुत बड़ा है जी, बहुत अच्छा लगा इधर आके। तो चलिए भैया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, और भाई ने अपना सफलता पूर्वक जो है कि ये मशीन चला कर देख लिया, माल जो है वो रेडी करके देख लिया, और अब इसी के साथ भैया आप ये मशीन कब लेकर जा रहे हैं? हम क्लियर हुआ, थोड़ा पेंट मारेगा। अच्छा, अभी निकल जाएगा, गाड़ी भी आया हुआ है। अच्छा, गाड़ी आ गया है और पेंट होगा इसके ऊपर, और उसके बाद भैया जो है कि वो लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि ऐसे बहुत सारे जो मशीन है यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। ये वाला मशीन जो है वो भैया का है जो कि कंप्लीट, अब इसमें सिर्फ पेंट करना है, और बाकी ये सारे वही मशीन है जिसमें कि कुछ कुछ काम बाकी है। तो दूसरी चीज है कि फ्लाई एक्स जो है एनटीपीसी का कचरा है जी, और स्टोन डस्ट जो पहाड़ी एरिया में उसका कचरा है जी। सीमेंट की बात कर ले तो सीमेंट जो रैक में लगता है, जो सीमेंट जम जाती है अति हो जाती है,
उससे आप इसको आसानी से बने पूरे कचरा मतलब टोटल वेस्टेज होगा और आप उससे जो है कि अपना उद्योग कर लेंगे, उद्योग कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि ऐसा प्रोडक्ट है कि इस पे आपको सरकार अनुदान भी दे रही है। अच्छा, जो भी सरकारी बिल्डिंग का काम होगा वह फ्लाई एक्स ईंट से ही होगी। ठीक, जो भी सरकारी पार्क में होगा, रोड बनेगी, वह पेवर ब्लॉक से ही होगी। एक चीज ये भी है कि अब तो बिल्डिंग्स भी घर भी बनने लगे हैं इसी से, क्योंकि इसका कॉस्टिंग कम होता है। आप घर बनाते हैं तो पहले जो लाल वाली ईंट थी उसके क्या था कि मैनुअली ढंग से बनाया जाता था। अगर 10 ईंट बन रहा है तो 10 ईंट का साइज थोड़ा बहुत अंतर होता था, यह मशीन से बन रही है। बिल्कुल, इसमें अगर 100,000 भी ईंट बनाएंगे तो आपको एक साइज का निकलना है। उसमें सबसे बड़ी चीज दीवार फिनिशिंग होगा। दीवार फिनिशिंग के बाद जो है आप जो प्लास्टर करवाइएगा उसमें 20-25% सीमेंट और बालू का आपकी बचत हो जाएगी जी, और मजदूरी में बचत हो जाएगी। तीसरी चीज है कि पिस्टर बनाते हैं तो इसको टेम्परेचर मेंटेन करने की ताकत है। अच्छा, गर्मी के महीने में आपको रूम गर्म नहीं होगी। अच्छा, ठंड के महीने में रूम ठंड नहीं होगी, इसकी गारंटी है। तो बिल्कुल जो यह प्रोडक्ट है फायदे और फायदे की है ना, इसके कच्चा माल को खरीदने के लिए आपको दूर दराज जाना है जी। और ना ही इसको बेचने के लिए कहीं जाना है, आप जहाँ है वही कच्चा माल है और आप जहाँ है वही इसकी मार्केट है जी। और इसके लिए है कि यह ऐसा प्रोडक्ट है कि सालों साल चलेगी। ठीक है, इसमें कहीं कोई महीने का अंतराल नहीं है। हर इंसान को घर बनाना है, हर एक रोड बनना है जी, पार्क बनना है, हॉस्पिटल बनना है, रेलवे स्टेशन बनना है, तो सारा चीज में यही प्रोडक्ट यूज हो रहा है। यही प्रोडक्ट यूज हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज सबसे खास बात कि अगर कोई अपना बिजनेस, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो उसको कम से कम कितने लागत में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? मिनिमम मेरे पास मैनुअल मशीन 50,000 से है। बिल्कुल, वो भी बन रही है सामने कैमरा पे दिखा। ये मशीन, ये भी मशीन है, ये 50,000 की मशीन है। इसमें सर कितने ईंट तैयार होते हैं एक बार में? इसमें जो है आपको एक बार में 4 ईंट तैयार होगा। सामने देख रहे हैं 40 टन प्रेशर में मशीन है। 40 टन, हाँ, बात करें तो 40 टन प्रेशर है, 2 ईंट बन रही है, एक ईंट पे आपको 20 टन प्रेशर का मिल रहा है। अच्छा, तो यह आपको सेम ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक जो 12 लाख 15 लाख 18 लाख रुपया लगा के काम कर रहे हैं, तो उसमें अंतर यही है कि 8 से 10 हजार प्रोडक्शन होती है। इसमें है कि 2 से 2.5 हजार प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे, 2 से 2.5 हजार प्रोडक्शन है। और इन सब चीजों के अलावा ये मशीन सर बहुत बड़ा तो है नहीं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई सोचे तो मिनिमम उसको स्पेस कितना चाहिए होगा? इसको तो 10x10 के कमरे में आप आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको जो है 2000 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, जिसमें कि आप रॉ मटेरियल और बना हुआ प्रोडक्ट रखने के लिए। मशीन के लिए तो 10x10 का काफी है। 10x10 का काफी है, तो कहीं ना कहीं अब तो ये बिहार के लिए एक नया बिजनेस भी हो गया। और इसके अलावा जो है कि एक सर ने ये भी बता दिया कि लागत इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, यानी कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत कम स्पेस के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी बिल्कुल नया बिजनेस है तो इसमें मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिर्फ एक छोटा शुरुआत करना है तो आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर सर ने जैसा बताया कि आप कहीं भी बेचने के लिए अगर आपको चाहिए तो ये मशीन आपको 2 से 2.5 लाख रुपए में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये यही बिहार में मुजफ्फरपुर में तैयार होता है, जिससे कि अगर आपको कभी भी बिहार में अगर आप ये मशीन ले रहे हैं तो आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम आता है मशीन में तो दिल्ली मुंबई जाने वाला भागने वाला सिस्टम नहीं है। इत्मीनान के साथ आप मुजफ्फरपुर में आएंगे। एक बार सर आप अपना एड्रेस बता दीजिए। हमारी कंपनी का नाम हेलो डिस्पोजेबल है, जो कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर जी, और मुजफ्फरपुर बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर पे, जगह का नाम मधौल है, नियर विकास लाइन होटल रामदयालू। रामदयालू, अगर आप मुजफ्फरपुर आएंगे तो रामदयालू जो बस स्टैंड है वो बहुत ज्यादा फेमस है। आप यहाँ पर उतर के सर के कंपनी में फोन भी कर सकते हैं। आपको वीडियो में जो है कि कंपनी का नंबर और एड्रेस चलता हुआ दिख रहा है, तो आप आसानी के साथ कॉल कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने इस बिजनेस के साथ या किसी भी लघु उद्योग के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार सर को कॉल कर सकते हैं, मशीनों की जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके गाँव में, आपके शहर में कौन सा बिजनेस चल सकता है, चाहे वो अगरबत्ती का बिजनेस हो, वो फूड से रिलेटेड बिजनेस हो, या फिर वो ईट का बिजनेस हो, या फिर ऐसे 60 से ज्यादा बिजनेस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आप एक बार कॉल कर सकते हैं और सर से आप इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं और अपना रोजगार लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।